नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में पैक्स सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित मांग को शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीएस चौहान ने बताया कि शासन को वर्षों से अवगत कराते रहे हैं कि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की न्यायोचित मांग पूरी की जावे। सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर कर शासन को लाभ पहुंचाते रहे हैं, जैसे खाद्यान्न वितरण, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, मूंग दान, बाजरा आदि, उपार्जन ऋण वितरण, वसूली आदि कार्य आम नागरिकों और किसानों के हित में शासन के निर्देशों का पालन कर रहते हैं। परेशान है, 5-5 हज़ार रुपए, 2-2 हज़ार रुपए क्या आप लोगों को मारपीट की लाठी चार्ज किया? मेरे से बात कर रहे हो? पीछे हो जाओ, खबर चलाना है। तो आप बना नहीं गलत है सिमन, लेकिन हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जी एक मिनट हमारी सुन लेंगे। बिल्कुल पूरी बात सुन, हम कई वर्षों से हमारा 2008 से संगठन बना रहे और हमारी मांग है, हम वो कर्मचारी हैं गांव में गरीब किसान को 1 रुपए किलो का गेहूं, जब कोरोना काल में हम लोग घर से जो आदमी नहीं करते उस टाइम हम लोगों ने गांव में अंचल में रह के गरीब भाइयों को 1 रुपए किलो का गेहूं चावल फ्री में कल किया। कोरोना काल में सब्जी बांटा, उसके बाद हम कोरोना काल में ही बांटा, खाद बांटते हैं, उपार्जन का काम करते हैं और हमें शासन पैसा क्या दे रहा है, कमीशन बेस पे काम करा रहा है हम लोग जी। कमीशन यहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। श्रीमान, हमने अनुमति मांगी थी, तीन चार जगह का आवेदन लगा, अनुमति थोड़ी दी जाती तो सर कहाँ जाए, यहाँ की नहीं मांगी थी हमने, एक आदमी बात वहाँ अनुमति प्रदेश भंडार और हम कर्मचारी संघ के हम दोनों गए थे, हमने अनुमति के लिए 3 जगह आवेदन दिया, 4 जगह आवेदन दिया, हाथ जोड़े हमने, सेंट्रल कोतवाली में दिया, थाने में नीलम पार्क के लिए दिया, प्रदर्शन के लिए कहाँ ले ये सर, अपन ने इनको जगह अलॉट की है सर। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।